आज ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र बिहार के लगभग पूरे राज्यों से आए लोगों ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए हाथों में कटोरा लेकर राजभवन मार्च किया। हालांकि इस मार्च को पटना के गांधी मैदान स्थित मौर्य होटल के पास पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। ग्राम रक्षा दल के लोग इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया, जिसके कारण पुलिस को हल्के फुल्के बल का प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र के लोगों का कहना है कि स्कूल पहरी से लेकर राष्ट्रीय त्योहार एवं महामारी आपदा कोरोना वायरस रोकथाम से लेकर लोकसभा विधानसभा चुनाव आदि कार्यों में शांति व्यवस्था कायम करने में प्रशासन विधि व्यवस्था में हमारा सहयोग और राष्ट्रहित का कार्य के लिए लेते हैं। इस कार्य के एवज में कुछ जिलों में पुलिस अधीक्षक के माध्यम से लाइट टॉर्च एवं अन्य सामग्री प्रदान किया गया। वहीं साप्ताहिक एवं दैनिक उपस्थिति भी दर्ज की जाती है, परंतु इसके सिवा जीवन जीने के लिए कोई भी प्रकलित राशि आवंटित नहीं की जाती है, जिससे हम सभी सदस्यों के जीवन मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं। आज हमारी स्थिति भूखे मरने की नौबत आ गई है। भीख मांगने के अलावा अब और कोई काम हमारे पास नहीं बचा, इसलिए आज हम लोग हाथों में कटोरा लेकर राजभवन मार्च कर रहे हैं ताकि हमारे काम सही मानदेय हमें दिया जाए। लेकिन आपकी सरकार बात नहीं सुन रही, क्या करेंगे हम लोग? सरकार को बार बार ग्राम सड़क और पुलिस की अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन एवं सरकार को ज्ञापन सौंपते रहते हैं। आज हमारे बहुत सारे साथियों जो बंदी के निवास में हैं और हम लोग की जो मांगे हैं मांगे वो मसाई कर रहे हैं। पिछले दिनों भी माननीय सम्राट चौधरी से आश्वासन दिए थे कि विधानसभा सत्र में आप लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण आज हम जितने भी ग्राम सभा के पुलिस हैं आज कटोरा लेकर लेकर रोड पर आ गए और यहाँ से हम लोग राजभवन तक मार्च करेंगे। कटोरा लेकर निकलने का उद्देश्य क्या है? हम लोग को घर जाना है, घाट के मेरे पास एक समय सचिवालय के पास घेराव किए थे जो मार्केट के अंदर जाके, तो वहाँ पुलिस ने रोक के आपको ले गया था, तो क्या उस समय आपकी मांग पूरी नहीं की गई? नहीं, उस समय बोला गया था कि आपकी मांग को पूरा किया जाएगा, आप लोग जितने भी साथी हैं सभी लोग को जो है मतलब आने वाला कल विधानसभा सत्र में आप लोगों की मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन आज 15 तारीख हो चुका है, विधानसभा सत्र प्रारंभ भी चल चुका है, परंतु अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। क्या करने वाले हैं आज? आज हम लोग यहाँ से भिक्षाटन करते हुए राजभवन तक जाएंगे, क्योंकि हमारी मांगे जो आज हम लोग कटोरा लेके खड़े हैं, आज हम लोग घर का ना घाट का। सरकार एक तरफ ये कहता है कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं, परंतु आज हमारे पूरे बिहार के जितने भी ग्राम सदस्य पुलिस मित्र हैं आज वर्दी पहनकर आज रोड पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रांतीय अध्यक्ष सिकंदर पासवान, ग्राम सदस्य पुलिस मित्र बिहार।